अनुच्छेद 370 हटने के बाद थाटी के नेताओं के साथ प्रधानमंत्री ने लगभग 3 घंटे की बैठक। सभी नेताओं ने बताया बातचीत को सकारात्मक। प्रधानमंत्री ने कहा दिल्ली और दिल दोनों की दूरी कम करना जरूरी। बैठक के बाद उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती 370 की बहाली पर अड़े। जम्मू कश्मीर के कुछ जिलों में लागू हो सकता है अनुच्छेद 371। राज्य में परिसीमन का काम होगा 31 अगस्त तक पूरा। 1975 में लगी इमरजेंसी को आज 46 साल हुए पूरे। प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके लिखा आपातकाल के वो काले दिन कभी नहीं भुलाए जा सकते। मानहानि मामले में सूरत के मजिस्ट्रेट कोर्ट में राहुल गांधी की हुई पेशी। साल 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान कर्नाटक में एक रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी के लिए दिया था आपत्तिजनक बयान। और मध्य प्रदेश में गहरा सकता है कोरोना का कहर। 328 सैंपल में डेल्टा वेरिएंट मिला, 56 में अल्फा और 6 में डेल्टा प्लस की पुष्टि। ट्रांसफर प्रमोशन गैंग का सरगना मध्य प्रदेश से गिरफ्तार। मध्य प्रदेश से 6 और छत्तीसगढ़ से 150 लोगों को ठगा। अब तक कर चुका था करोड़ों की ठगी। खुफिया विश्लेषकों का दावा सितंबर में अमेरिकी सेना के अफगानिस्तान से लौटने के बाद अफगानिस्तान पर हो सकता है तालिबान का कब्जा। सितंबर माह के 6 महीने बाद अफगान सरकार के गिरने की भी जताई आशंका। आतंकवादियों को पनाह देना पड़ेगा पाकिस्तान के लिए भारी। FATF की बैठक आज। ब्लैकलिस्ट हो सकता है पाकिस्तान। कोरोना की वजह से बीच में छूटा IPL का शेड्यूल होगा पूरा। 19 सितंबर से दोबारा शुरू होगा IPL। 15 अक्टूबर को खेला जाएगा फाइनल मुकाबला। बचे हुए मैच दुबई, शारजा और अबू धाबी में किए जाएंगे आयोजित। वहीं आलिया भट्ट ने मुंबई में फिर से शुरू की अपनी अपकमिंग फिल्म गंगूबाई कठियावाड़ी की शूटिंग। फिल्म के डायरेक्टर संजय लीला भंसाली ने बनवाए 2 अलग अलग सेट। 2 अलग लुक में दिखाई देंगी आलिया भट्ट।